अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। एमएलसी चुनाव 4 अप्रैल को होने वाले हैं और इसको लेकर जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं जनसंपर्क के माध्यम से। और इसी कड़ी में इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है शेखपुरा पंचायत में, जहाँ शेखपुरा पंचायत की जो मुखिया पति है और राजद के कद्दावर नेता हामिद राजा खान उर्फ डब्लू खान है, उप मुखिया भी हैं और यहाँ पे विनोद जायसवाल का कार्यक्रम है। तो सीधे डब्लू खान से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, बहुत कम समय रह गया है चुनाव में। बस अब फुल तैयारी ही है, समय तो हम लोग भी जान रहे हैं कि अब 4 तारीख को चुनाव है, होना है और 7 को रिजल्ट आएगा, तो हमारे वर्कर भी फुल तैयारी में हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान। देखिए, हम बता रहे हैं कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, हर एक पंचायत में डोर टू डोर अपना कंपेन कर चुके हैं, उनके साथ हमारे पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वो लोग भी कर चुके हैं, सारे लोगों से मिलना जुलना हो चुका है, अभी भी मिलना जुलना चुनाव के दिन तक जारी भी रहेगा। एनडीए के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे बिहार सरकार के, वो लगातार लगभग 3 से 5 दिन कैंपिंग किए, कितना असर पड़ेगा उस पर? क्या असर पड़ेगा, मंगल पांडे जी को हम लोग आज से नहीं जान रहे हैं। मंगल पांडे जी अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग को भी मालूम है, तो उनका कार्य है अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगना, पार्टी के लिए अपने काम करना। हम लोग के जो नेता हैं वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भी जो यहाँ के प्रभारी हैं पटेल साहब, जब जरूरत लग रहा है तो वो भी आ रहे हैं, वो भी हर जगह अपना कंपेन कर रहे हैं। माननीय हमारे अवध बिहारी चौधरी जी, मैडम हेना साहेब, हरिशंकर यादव जी, बच्चा पांडे जी, अमरजीत कुशवाहा जी, अमरनाथ यादव जी, सारे हमारे जो महागठबंधन के नेता है सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पे विपक्षी जी जो हैं वो लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो विनोद जायसवाल हैं वो जीतेंगे तो फिर बाहर चले जाएंगे, बाहर के हैं और उनसे भेंट नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगा, ये सब बकवास की बात है। पटेल साहब को जो हमारे प्रभारी हैं उनको यहाँ पार्टी ने कभी टिकट दिया तो बहुत पहले, वो यहाँ के एमपी थे, आज भी सिवान में दिखते हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, डॉक्टर मोहम्मद साहब दीन साहब को दिया, उसके बाद पटेल साहब को आज तक यहाँ से टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज अपने सिवान के लिए देखिए जहाँ जरूरत पड़ रहा है पटेल जी हाजिर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, विरोधी का काम है भरम फैलाना। हम भी देखते हैं न्यूज वोज में कि कोई कहता है कि पैराशूट से आए हैं तो कोई कहता है कि चाइनीज हैं, अब चाइनीज या जापान आप कहते रहिए, हमारा महागठबंधन के प्रत्याशी बहुत तीन लोग से आगे हैं, ये चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, मुखिया संघ के एक जिला अध्यक्ष हैं, आप ही के एक पार्टी के नेता हैं अजय भास्कर चौहान, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, जो महागठबंधन को मानने वाले लोग हैं वह उनको नकार देंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, महागठबंधन के लोग महागठबंधन में रहेंगे, रहा बात उनके चुनाव लड़ने का तो हर आदमी का अधिकार है कि अपना चुनाव लड़े, तो इस पर कोई टिप्पणा टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते हैं। वोट जो लेंगे वो आप ही का तो काटेंगे, हमारा वोट कैसे लेंगे, वो राजद के रहे हैं कैसे लेंगे? अब राजद से जब वो इस्तीफा दे दिए, आप पूरे वर्कर हमारे समझ गए, जनप्रतिनिधि जो महागठबंधन के जब वो जान गए कि अजय चौहान जी हम लोग के साथ अब नहीं हैं, तो अजय चौहान जी को कोई क्यों वोट देगा, हमारा महागठबंधन का लोग तो हमारा वोट कहीं से वो नहीं काट रहे हैं, ये सब भरम फैलाया जा रहा है। अजय चौहान किसका काट रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन होगा रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा।
तो किससे लड़ाई रहेगी? मनोज सिंह हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान है और आपके विनोद जायसवाल, तीनों लोग पूरे दमदार तरीके से चुनावी मैदान में, पूरे लंबा लंबा काफिला दिख रहा है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इन तीनों में लड़ाई आपकी किससे रहेगी? अच्छा एक बात बताइए ना, हमारे प्रत्याशी के साथ एकदम चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन के सारे नेता हमारे मजबूती से लगे हुए हैं, तो ये बताइए ना हम लोग कोई हरा सकता है? एमएलए का चुनाव हुआ, 6 सीट इस जिला में, 8 सीट है, 6 सीट हम लोग जीते, 2 ही सीट पर एनडीए गठबंधन जीता, मेरा गठबंधन 6 सीट पर जीता। चूंकि इसी तरीका से हम लोग उस चुनाव में लगे थे, भले हमारा सरकार नहीं बना, बेईमानी करके हरा दिया गया, लेकिन आज भी हम लोग का गठबंधन बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है। पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं आपसे कि हमारा गठबंधन के प्रत्याशी बहुत वोट से जीत रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि बेईमानी करके आपके सरकार नहीं बनने दिया गया, तो क्या लगता है कि इसमें भी बेईमानी होगी? कैसे बेईमानी होगा, अब हम लोग समझ गए हैं, देख रहे हैं हम लोग हाल एकदम, हम लोग जहाँ वोट गिरेगा वहाँ से लेकर जहाँ तक जाएगा हम लोग ख्याल रखेंगे, ऐसा कुछ हम लोग होने देगा, हम लोग कमजोर थोड़े हैं इस मामला में। अब हम लोग जान गए हैं कि कैसे बेईमानी से लोहा रहता है, तो इसलिए हम लोग पहले से सावधान हैं। क्या अपील करेंगे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी वोटर हैं एमएलसी के, उनसे क्या अपील करेंगे? सारे जनप्रतिनिधि लोगों से हम निवेदन करेंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी को आप लोग वोट दें, ये एक अच्छे आदमी हैं, बहुत सीधे साधे आदमी हैं, कहीं किसी तरह का इनके दिल में छक्का पंजा नहीं है, आप इनको वोट दें, इनको जिताएं, ये सिवान का विकास करेंगे। चलिए उप मुखिया हैं शेखपुरा पंचायत के, उनसे बात करते हैं, क्या लगता है किससे टक्कर रहेगी? टक्कर कोई नहीं है, जीत रहे हैं विनोद जायसवाल, जीतेंगे, कहीं कोई टक्कर वक्कर नहीं। क्या कहेंगे किस मुद्दे पे चुनावी मैदान में? विकास वादा जो किए हैं वो सब सार्वजनिक जगह पर वादा किए थे कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, मुद्दा यही है, रोजगार ही मेन चीज़ है। तो क्या लगता है कि जीतेंगे तो वो अपने चुनावी जो मुद्दा है उसको अमल लाएंगे? हाँ एकदम कायम रहेंगे वो सब। क्या अपील करेंगे बाकी लोगों से? अपील क्या करना है, सब कुछ साथ में है, सब भी वोट देगा। चलिए तो नहीं है, एमएलसी जो चुनाव है वो 4 अप्रैल को होने हैं, 7 अप्रैल को इसके रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी प्रत्याशी हैं वो पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। अब आने वाले समय में देखना है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि है वो किसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं और किसे सिवान का एमएलसी बनाते हैं। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।